हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त शोभित, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जल्दी जल्दी जाओ सारे और लाइक एंड सपोर्ट शेयर करो। तो मैं हूं अभी इस टाइम नागौर ज़िले में और इस गांव का नाम है जायड़ा। तो कल रात को अपन यहां पे आ गए थे। तो ये देखो, ये वीर तेजाजी महाराज जी हैं यहाँ के, और ये इनकी काफ़ी लंबी कहानी है, तो इसको बाद में सुनाऊँगा। अगर सुननी हो तो पहले आप यूट्यूब कर लेना, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। तो ये मंदिर है यहाँ पर उनका, तो यहाँ पर हम रुके हुए थे। और ये भाई साहब है, तो इन्होंने हमें लिफ्ट वगैरह दिया, तो पिछले वीडियो पे देख लेना आप, तो मैंने उस पर दिखाया है। सोशल मीडिया अगर आप रहते होगे, ऑनलाइन इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, तो उसमें मैं डालता रहता हूँ वीडियो, तो फॉलो कर लो शोभित कलेक्शन ब्लॉग्स को। तो ये आपकी रोड हो गई, जैसलमेर जाती सीधा नागौर जाएगी, नागौर से फिर जैसलमेर। तो मैं कल रात को यहाँ पर रुक गया था और अभी यहाँ पर मैं रुका हूँ। तो चलो नहाने धोने को बताता हूँ कहाँ पर कर अपने बैग यहाँ पर रखें। चोरी चकारी की यहाँ पर डर नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान है। यहाँ पर एक चीज़ के लिए आप बेफिक्र होकर घूम सकते हो कि चोरी चकारी, आपका एक भी सामान कहीं से गायब नहीं हो सकता। तो ये देखो भाई, सुबह सुबह गांव का व्यूज़ देखो, कैसे लोग आते हैं। देखो लोग जिनको ठंडी लग रही है वो आगे ताप रहे, बाकी धूप सेक रहे हैं। तो ये नागौर जाने वाली रोड है, इसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, जो का छोटा सा है। और ये मार्केट है यहाँ की लोकल, तो देख सकते हो भाई। और यहाँ पे नहाने के लिए हमने जुगाड़ किया, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे नहाया धोया हमने। मार्केट देख रहे हो, यहाँ पे ना गौशाला है, तो यहाँ पे कल हम आए थे तो जल्दी से कपड़े धो लिए थे, क्योंकि कपड़े गंदे हो गए थे। ये देखो भाई, ये गौशाला है, और यहाँ पे ना एक चीज़ है, पानी यहाँ पे बारिश वाला स्टोर करके रखते हैं। तो ये भाई साहब टैंकर है, इसके नीचे पानी, आपको पानी दिखाते हैं। ये देखो भाई, पानी दिख रहा है क्या? यहाँ पे लोग बारिश का पानी स्टोर करते हैं। और कल हमने यहाँ पे कपड़े धोए थे, ये पड़े हैं कपड़े। तो अब इनको थोड़ा सा धूप में डाल लेते ताकि सूख जाएंगे, ऑलमोस्ट सूख गए कपड़े हमारे। तो अभी यहीं पे नहाने जा रहा हूँ मैं। और ये गांव का हाल देख लो भाई, गांव राजस्थानी गांव में मज़ा ले रहा हूँ भाई, आप लोग भी आ जाओ मज़ा लेने के लिए। पानी स्टोर करके रखा है, और देखो हमने यहाँ पे इसी पानी से नहाया है, वहाँ पर नहाया था। और अभी देखो कपड़े जो कच्चा अच्छा है सूखने के लिए डाल दिया, इसके बाद नहा धो के अभी यहाँ से निकलना है। तो नागौर ज़िले में आज भी ऐसे है, यहाँ पर देख लो ये गौशाला, यहाँ पर अपन ने नहा धो लिया है। और भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गांव में सबसे सस्ता होता है, हर चीज़ सस्ता होता है। 40 रुपए में कटिंग, 70 और 30 रुपए में मतलब गाड़ी, 70 में सारा कुछ हो जाता है क्लियर। और ये भाई साहब करते हैं, तो यार ये काफ़ी अच्छा है ना, शहर में जाते हैं तो हमें साला 100 रुपए लग जाते हैं सिर्फ बाल कटिंग का। तो गाँव में आज भी सब कुछ सस्ता है यार, शहर में ही है जो मतलब हर एक चीज़ महंगी है। तो नहा धो के अपन रेडी हो चुके हैं, और जहाँ जो भाई साहब ने रुकने के लिए बोला था, तो वो बोले कि आप खाना खा के जाना, तो अभी खाना भी दिखाते हैं, उनका भी घर जाते हैं, दिखाते हैं आपको घर वहाँ का। तो चलो भाई, ये देखो भाई कुछ कपड़े थे मेरे हाथ में जिनको मैंने धुला था, और सारा कुछ साफ कर लिया है, और यहाँ पे रुके हुए हैं। ये मंदिर है, ये देखो भाई, ये दुर्गा माता का मंदिर है, और सामने महादेव जी का टेम्पल है, जय शिव शंभू। और ये भैया ये फ्रेंड है, इनका भी नाम मुकेश भी है, इग्नोर मत करो। अभी ये भैया के यहाँ जा रहे, तो भैया बोले कि खा के जाना खाना, तो भैया के यहाँ सुबह सुबह का नाश्ता है। और ये देखो भाई, यहाँ ये कौन सा गांव बताया था, आइजल ना, उंगसाइडा। तो ये गांव देखो भाई, और ये गांव की गली है, गांव देख लो भाई राजस्थान के कैसे होते हैं, वो दिखाना चाह रहा हूँ। और भाई साहब ये घर देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब आपको मिल जाएगी, गौशाला वगैरह हर एक चीज़ है। और घर देखो एकदम पक्के बन गए भाई, ऐसे लगता नहीं कि मतलब घर है, तो बंगले टाइप में घर है ना यहाँ पे, बस यही देसी है यहाँ पे। और ये मुकेश भैया का घर है। ये देखो भाई तगड़ा है सिस्टम, देखो भाई काका और ये दादी। हेलो, पोता है? अच्छा पोता है आपका? पोता है। ओए ओए, आजा चले चले, राम नाम है, राम नाम है, ओके। ये देखो भैया, यहाँ पे मतलब इन्होंने अपना हरियाली ला रखी है राजस्थान में। कौन सा फूल लगाया भैया यहाँ पे? ये तो गुलाब का फूल है। ओके, और ये देखो लकड़ी पता है? अच्छा, नीचे बिंदा लगाई हुआ है सब्जी के लिए। सही है, तो खेती वगैरह यहाँ पे मिल जाती है आराम से, हो जाता है। अच्छा, और बिंदा लगे हुए हैं, सही है, मतलब सब्जी बो रखी है आपने। घर देखो भाई साहब, गजब की बनी, वो तो पक्का जी का मकान है वो। हां ओके, ये जो भाई घर देख रहे पत्थर वाला, ये ऐसा पत्थर है कि मतलब ठंडियों में क्या होता है कि जब ठंडी होती है तो लोगों को ठंडी लगती है, तो ये ठंडी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा करता है, ये ऐसा पत्थर है आप देखो सामने से। और ये पूरे इंडिया वर्ल्ड में फेमस है ना, इसके लिए विदेश में एक्सपोर्ट ये पत्थर, तो काफ़ी ये जो पत्थर पाया जाता है यहीं पर पाया जाता है ना, अपने खाटू छोटी खाटू में पाया जाता है, छोटी खाटू गाँव है, तो वहाँ पर ये पत्थर मिलता है।
और भाई सुबह सुबह यहाँ पे ना गलन होने लगती है, मतलब ठंडा तो नहीं पड़ती पर ऐसे लगता है कि हम -0 पे हों, इतना मतलब ठंडा होता है। तो अभी सुबह सुबह देखो व्यूज़ भी बढ़िया आ रहा है और धूप भी अच्छी खासी निकली है। तो ये देखो दादी धूप ले रही हैं, काका भी साथ में ले रहा है धूप। नाश्ता हमारा गुड़ और देसी घी और रोटी भाई गेहूँ वाली खा रहे हैं राजस्थान में। अभी देखो भाई अपन ने खाना वगैरह खा लिया और ये मुकेश भैया के यहाँ पे आए थे, तो जो शाम को खाना खाया था मुकेश भैया के फ्रेंड थे वहाँ पे खाए थे, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दिया था। तो ये घर है और काफ़ी बड़ा घर है, तो सभी को मेरी राजस्थान की ओर से राम राम सारा ने। अभी अपन चल रहे हैं यहाँ से जैसलमेर, तो आज का जो टारगेट है अपना 370 किलोमीटर, तो आज टारगेट पूरा करूँगा। देखो ये भैया हैं मुकेश भैया ने पहले खाना खिलाया अपने घर में और ये मुझे 8 किलोमीटर अपने गाँव से छोड़ने आए। तो ये हाईवे है नागौर वाला और यहाँ से ये वाला रूट किधर जाता है? नागौर के लिए जाता है, जैसलमेर के लिए जाता है ये रूट, और इधर ये जयपुर के लिए ना, तो ये जयपुर के लिए जाता है। ठीक है भैया बाय। तो राजस्थान के जो पीपल्स थे लोग थे काफ़ी अच्छे थे भाई, मतलब नागौर ज़िले में जैला करके गांव है तो वहाँ पे मैं रुका हुआ था, तो काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करे और हेल्प किया, मुझे रुकने के लिए दे दिया और अपने अपने घर से लोग ले गए, मुझे खाना खिलाया और इसके बाद देखो यहाँ तक छोड़ दिया। तो ऐसे लोग आपको इंडिया में ही देखने को मिलते हैं, बाकी बाहर जाके देखते हैं जो होगा आपको दिखाएंगे। अभी मैं आ चुका हूँ और यहाँ से लिफ्ट लेकर लेना शुरू करते हैं और अपनी हिचहाइकिंग शुरू करते हैं। बिना पैसों वाला इंसान अब जा रहा है जैसलमेर। तो भाई सुबह सुबह की पहली लिफ्ट और फॉर्चुनर कार से लिफ्ट मिली, वाह। पूछते हैं भाई साहब कहाँ तक जाएंगे मेरे सारे टोटल पंजाबी बंदे ये देखो भाई सारे जैसलमेर जा रहे हैं। तो देखो भाई ये भाई साहब ने लिफ्ट दिया है, भाई की नाम है अपना सनी। सनी भाई साहब तो सीधे रॉकेट बन गए उसका नाम नहीं उसका नाम है देवेंद्र। तो भाई अपन सारे जा रहे हैं जैसलमेर, तो अब जैसलमेर पूरा घूमने जा रहे हैं। ओके देखो गाइस मुझे इस फॉर्च्यूनर कार से लिफ्ट मिली थी और कम से कम इन्होंने मुझे 150 किलोमीटर तक का ड्रॉप किया, देख लो भाई। 2 घंटे बाद मुझे लिफ्ट मिली है और ये भाई साहब ने दिया। सदी क्या नाम है? रवि धान भैया का नाम है और ये मुझे 50 किलोमीटर तक का ड्रॉप कर देंगे। और ये देखो भाई मेरी वीडियो चल रही है यहाँ पे, चलाओ ना ये देखो कन्याकुमारी वाली वीडियो चल रही है यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से जैसलमेर, मेरा जो बचेगा 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर का टारगेट शायद रह जाएगा, तो जो कि कल करूँगा। तो ये देखो भाई ऐसे जा रहा हूँ, ये सुनसान रोड है, इस रोड में लिफ्ट बहुत कम लेट मिल रही है। तो ये सुबह की दूसरी लिफ्ट है मेरी, सामने सनसेट हो रहा है और मुझे लिफ्ट मिल गई है। तो यहाँ से कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर की एक और लिफ्ट मिल गई। और ये भैया 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 क्या नाम है? विक्रम भैया हैं और 50 किलोमीटर तक का ड्रॉप कर देंगे। और ये रहे हमारे आदि योगी महादेव, जय शिव शंभू। हेलो जी, गुड इवनिंग दोस्तों। तो देखो मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे पोखरवाड़ा और यहाँ से जैसलमेर आपका 114 किलोमीटर है। तो ये हाईवे देखो और सनराइज़ हो गया, देखो कितना गजब का लग रहा है। तो मनवा रेस्टोरेंट है तो अपन यहाँ पे आज रुके हैं, तो आज यहीं पे स्टे करते हैं, इसके बाद कल आपको एक्सप्लोर करते हैं जैसलमेर। तो ये देखो छोटा बच्चा मिला, तो ये छोटा बच्चा मुझे रॉकेट मिला यार, कुछ लगा नहीं। तो ये बात करते हैं तारक मेहता साहब से, नाम बताओ अपना। रिजवान। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हो? तो देख लो भाई, और क्या करते हो? दुकान पे ही, देख लो बिजनेसमैन बन रहे हैं आजकल के बच्चे सही है भाई। तो ये देखो इनका रेस्टोरेंट है और ये ढाबा है। ये देखो ये भाई साहब ने मेरी हेल्प की है खाने के लिए, तो इन्होंने मेरे खाने का पैसा पेड कर दिया, तो थैंक यू सर जी। और ये सर जी ये गोरखपुर से हैं। आज हम खाने जा रहे हैं आलू मटर गोभी की सब्जी, मिक्स वेज और बटर वाली रोटी, सलाद में हमारे पास प्याज है और नींबू। और ये देखो भाई।